sorry kitties only on parkway अस्सलाम वालेकुम पाक वीलर्स मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पाक व्हील्स रैली ड्राइवर गैरेज टूर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदम में हाजिर हूँ आज हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं मेरे साथ आसिफ आसफ़ल चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि एक नोन रैली ड्राइवर हैं हम कोशिश करेंगे आज आपके लिए इनके रैली ट्रक की और इनके गैरेज की जो है पूरा टूर लेके आए तो हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आसिफ भाई बहुत शुक्रिया अपना टाइम निकालने का सबसे पहले हमें बताइएगा हमारे ऑडियसिस के लिए कि जो रैली का शौक़ है ये आपको कब से पड़ा आपने किस उम्र में रैली शुरू की और किस सन में शुरू की सुनील भाई थैंक यू वेरी मच सुनील भाई मैं आ, क्योंकि ये एक ऐसा शौक़ है जो कि एक बचपन से आ, आपके ब्लड में आ, ये चीज़ होती है मुझे भी बचपन से गाड़ियों का शौक था कलेक्शन का शौक था तो टीवी वी पर मैंने एक से दो दफ़ा को क्लिप्स देखे जब मैं अपने आ, स्कूल में था सही है। तो मुझे वहाँ से एक वो एक जस्तजू पैदा हुई कि मैंने भी इसमें पार्टिसपेट करना है ठीक है फिर 2015 में मैंने फर्स्ट टाइम अप्रोच किया टीडीसीपी को उनका एड देख के और है। मैंने 2015 में चोलिस्तान की टेंथ रैली थी आ, मैंने फर्स्ट टाइम उसमें अपनी वीगो के ऊपर सी स्टॉक कैटेगरी में पार्टिसपेट किया कैसा एक्सपीरियंस रहा सुनील भाई एस्टोनिशिंगली फ्राम द वेरी फर्स्ट स्टेप वन आई अप्रोच टी डी सी पी वहाँ पर वो अपना फयाज साहब के साथ इंट्रैक्शन हुआ right. उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया वंस जब ये एक सिलसिला शुरू हुआ, हुआ जब मैंने पहली रैली में पार्टिसिपेट किया कुछ लोगों से वहाँ पे मिला कोई फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए तो एक सिलसिला शुरू हुआ right. और फिर मैंने जब मजीद आ, वो इस फील्ड के अंदर पेनीट्रेट किया तो मुझे बहुत अच्छे बहुत हेल्पफुल और आप समझ लें कि मुझे साथ लेके चलने वाले लोग मिले और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड भी किया और आप को इस फील्ड में जितने सीनियर्स हैं और जितने लोग ये इस रैली में ऑलरेडी पुराने एक्सपीरियंस हैं वो आपकी हेल्प भी करते हैं और आपको साथ भी लेके चलते हैं आज भाई आप ये बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए कि आपने अभी तक कौन कौन से रैली में जो है पोडियम्स लिए हैं जो मेरी पहली रेस थी चोलिस्तान दो हजार पंद्रह सी स्टॉक में फर्स्ट पोजिशन हासिल की ठीक है उसके बाद मैं झल मक्सी टू थाउजेंड सिक्सटीन में मैंने आ, सी प्रिपेयर्ड में फर्स्ट पोजिशन हासिल की ठीक है जी उसके बाद फिर मैंने गवादर में सेकेंड पोजिशन हासिल की सी प्रिपेयर्ड में जी उसके बाद फिर ये टकोमा जब ये मैंने लिया तो ए स्टॉक में मैंने पहली दफा पार्टिसिपेट किया ठीक है तो मैंने इसमें ए स्टॉक में फर्स्ट पोजीशन हासिल की ठीक है फिर उस आ, से नेक्स्ट जी मैंने जल मक्सी प्रिपेयर में सेकंड पोजीशन हासिल की ठीक और देन आफ्टर दैट थल ए प्रिपेयर्ड फर्स्ट पोजीशन एंड ठीक है सो uh, so, आपके जो सफर था सी स्टॉक से लेके ए प्रिपेयर्ड तक का और ये मेरा ख्याल की मेरा ख्याल सबसे लकी गाड़ी अभी तक आपके लिए साबित तो हुई तो इस गाड़ी के बारे में ऑडियंस के लिए बताइएगा कि क्या मॉडल है क्या मेक है ये बेसिकली जी आ, ये टोटा टकोमे इट्स इम्पोर्टेड फ्रॉम द दू एस और uh, ये बेसिकली जब बाय uh, ये गाड़ी आई थी तो इट वॉज फोर लेटर वी सिक्स पेट्रोल इंजन बेसिकली मकसद ही जब मैंने कैटेगरी अपनी चेंज की तो ये था कि मैं पहले एक कैटेगरी uh, के अंदर उसकी स्टॉक में पार्टिसिपेट करूँ uh, वो से थोड़ा फेमिलियर हूँ उसके बाद अपनी गाड़ी को स्टॉक so में थी तो तब इसकी लॉन्ग ट्रेवल वगैरह नहीं लगा जी नहीं प्रिपेयर में जैसे कि आप फरमा रहे थे इसके अंदर जो लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन सिस्टम है इसके अंदर हम लोग गाड़ी के जो सस्पेंशन के रिलेटेड हैं मेन अपर कंट्रोल आर्म लोअर कंट्रोल आर्म से एक्सटेंडेड होते हैं टू गेट एक्स्ट्रा ट्रेवल ऑफ द शॉक बिल्कुल ठीक है और फ्रंट uh, एंड पे क्योंकि आपके इंजन का वेट होता है और uh, गाड़ी हाई स्पीड में जब आप बास uh, में जाती है या टेक ऑफ करके लैंड करती है।, है तो यू नीड एक्स्ट्रा डैम्पनिंग एट द फ्रंट ठीक है जिसकी वजह से ये आगे शॉक सेटअप है इसको इस फॉर्म में लाने के लिए टाइम मेहनत कितनी लगती है आ, ये हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है यूएस या यूएस या फिर आपका ये सेटअप के कुछ कॉम्पोनेट दुबई से भी UA मिलते हैं। क्लोजेस्ट मिलेगा ठीक है आ, वहां से जब आप इसको एक दफा वो सारी मर्चेंडाइज इकट्ठी कर, कर लें तो आई थिंक यू कैन फॉर द सस्पेंशन यू कैन गेट इट डन इन अराउंड अ मंथ

टायर प्रेशर कम रखना पड़ता है।, है और इट्स वेरी इजी कि आप किसी ट्रेन के ऊपर इसका बीड व्रेम से उतर जाएगा टायर उतरे और आपके टायर जो है वो डिफ्लेट हो जाए बिल्कुल ठीक है तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए जो इस गाड़ी में आ, मैंने आ, ये इस टाइम लगाए हुए मैथड के व्हील्स लगाए हुए हैं और ये बीड लॉक्स हैं ये इसका बॉनेट इसके फेंडर्स और इसके जो पिछले आ, वो बेड साइड्स है जो मैंने अभी रिमूव की हुई है क्योंकि गाड़ी पे काम चल रहे है। तो आ, ये इसकी फाइबर की है जी ठीक है और ये फाइबर हमने बेसिकली ये डिजाइन यूएस के लेकिन है लेकिन ये हमने बनाया यहाँ पे पाकिस्तान में ठीक में। में है सो exactly. so, एक ये रोल केज जो है इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है और रोल केज की क्वालिटी जो है जो हम हमेशा लोगों को बताते रहते हैं कि क्वालिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती है तो उसके आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि कैसा होना चाहिए इसका मटेरियल और कितनी जरूरत है जी देखिए ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग्स टू प्रिपेयर अ व्हीकल हम लोग ऑफ कोर्स गाड़ी की परफॉर्मेंस पे तो बहुत वजू देते हैं लेकिन सेफ्टी फर्स्ट बेसिकली रोल केज का जो मकसद है जी वो सेफ्टी uh, है ठीक है uh, गाड़ी के जो uh, का जो अपना स्ट्रक्चर होता है वो उसमें रोड के हिसाब से तो सेफ्टी हो सकती है लेकिन ऑफ रोड जिस स्पीड पे आप जा रहे होते हैं और वहां पे कोई मिस एप हो जाए है। तो आ, वो चीज को सपोर्ट करने के लिए पूरे जो आपका इंटीरियर है छत से लेके वो फर्श तक एक खास डिजाइन से आ, लोड बेरिंग को देखते हुए ये रोल केज तो ड्राइविंग के लिए है। आप जब बैठे तो आप एक केज के अंदर हैं अगर exactly. गाड़ी उलट जाए तो आप उस केज में सेफ रहेंगे एग्जैक्टली और क्योंकि आपने ड्यूरिंग ड्राइविंग हार्नेसेस पहनी होती है आपने हेलमेट पहना हुआ होता है सही है तो और ये जो सीट्स हैं आपकी ये रेसिंग सीट्स होती हैं तो इसमें आपके बचत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अलहमदिल्ला जब से पाकिस्तान में आ, ये रैली चल रही है आ, जितने भी अनफॉर्चुनेट वाक़त हुए हैं आज तक अलमदिल्ला किसी किस्म की कोई फटैलिटी इस रोल के जो सेफ़्टी मज़ की कि जितना भी हम जोर कम दें ये सेफ्टी मज़स में आपका हेलमेट आपका रेस सूट आपके जो हार्नेसेज हैं वो और नॉट टू फोगेड ये आपका जो रोल किया जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्जैक्टली exactly. अच्छा ऐसे भाई बैक पे अगर आ जाए क्योंकि अभी तो आपने इसकी साइड रिमूव किए हैं काम के लिए तो अच्छी बात है लोगों को नजर आ जाएगा तो ये जो शॉक्स लगे हुए हैं इनके बारे में डिटेल बता दें टायर्स की पोजीशन ऐसी क्यों है नॉर्मल गाड़ी का ट्रेवल होता है वो छः से सात इंच होता है ठीक है आ, और ये इस शॉक के साथ इसका ट्रेवल इस टाइम सिक्सटीन से सेवनटीन इंचज है टू तो टाइम से भी ज्यादा हो गया जी एग्जैक्टली exactly. ठीक है तो बेसिकली जब आप ऑफ रोड ट्रेन पे वो जिस स्पीड पे आप जा रहे होते हैं और uh, वो से फ्लाइट्स भी आती हैं जिसमें आपने टेक ऑफ करके लैंड भी है। करते हैं और जो

कटायर जो है वो रेडी हो जाना है, आव, है। आ, और वेट का? वेट का का जी बेसिकली इसमें आ, ये जो पीछे हम ये जगह इनको प्लेस करते हैं और इसके सेंटर में एक जैक प्लेस करते हैं ये है। इनके काउंटर वेट क्योंकि गाड़ी का जो आगे इंजन का वेट होता है और फोर बाय मोड में जब आप इसको आ, पीछे एक बराबर वजन देना जरूरी होता है स्टेबिलिटी वाइज बड़ा जरूरी स्टेबिलिटी के लिए अच्छा अच्छा भाई एक मेरे पास और इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप लोगों ने ग्रुप बनाया है वुल्फ पैक के नाम से यंगस्टर्स का जो रैली के आप लोग ज्यादा ड्राइवर्स हैं तो एक तो ये कि वो क्या है ग्रुप दूसरा उस ग्रुप का अगर कोई भी यंगस्टर है कोई न्यू कमर है वो मेम्बर बनना चाहे तो कैसे बन सकते जी फिलहाल तो वो उसकी मेम्बरशिप हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट की हुई है, की भी है। <laughs> तो ये बेसिकली एक जो हम ए प्रिपेयर्ड के अंदर अभी आ, आ, वो रिसेंटली हम लोग जो चार दोस्त हैं ठीक है जिसमें फैसल शामिल है

वी डू गेट गुड फ्रेंड्स आउट ऑफ दिस रैली एग्जैक्टली क्योंकि ये uh, जब आप फील्ड में होते हैं डेजर्ट में होते हैं तो आ, वो उसमें मेरे ख्याल से आपको बेहतर एक दूसरे का सफर करें तो पता लगता है तो तो जब डेजर्ट में जाते exactly. तो सफर अंग्रेजी उर्दू दोनों हो दो <laughs> जी एग्जैक्टली exactly. तो ये इसमें बड़े ये जितने भी वो हम दोस्त हैं हम लोग एक कैटेगरी में हमारा आप भी करते हैं कंपीट भी, भी करते हैं लेकिन हमारी कैंपिंग हमारी ट्रैवलिंग वो सब इकट्ठे होती है बिल्कुल ठीक अच्छा आसिफ भाई ये तो होगी आपकी रैली गाड़ी हम आपकी दूसरी गाड़ियां भी देखना चाहेंगे और ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे कि ये जो रैली ड्राइवर और रैली के अलावा जो नॉर्मल लाइफ में आप कौन सी गाड़ियाँ जो लाइनअप है आसिफ भाई का वो काफी लंबा है अगर पीछे दो रेवोज हैं फिर दो लैंड क्रूजर्स हैं फिर निशान पेट्रेल है फिर, फिर टोयोटा के ट्रूपी है और सबसे आगे लैंड ओवर है तो और एक सरप्राइज भी है वो बिल्कुल एंड में देंगे आपको तो so, आसिफ भाई ये जो गाड़ी है इसकी क्या डिटेल है क्या मॉडल है आ, ये सर ये टू मॉडल ये डिफेंडर है ठीक है आ, मैंने इसको फ्रॉम स्क्रैच रिस्टोर किया है सही है आ, ये मैंने कोयटा आर्मी ऑक्शन से गाड़ी ली थी ठीक है और इसको बिल्कुल एक एक नट बोल्ट करके इसको जो अंदर अपना स्टॉक इंजन है

क्योंकि मैं बेसिकली हूं तो टोयेटा फैन लेकिन जब मैंने इसको लिया और इसको बना के यूज किया तो आई एम रियली इंप्रेस्ट विद और कितना हो गया आपके पास इसको भी uh, जी इसको हार्डली अभी टू मंथ्स हुए हैं जी अच्छा इसको रिस्टोर हुए हुए लिए हुए तो एक साल से ऊपर हो गया तो लेकिन मेरा ख्याल है अभी ये टाइम का टेस्ट पास करेगी इंशाल्लाह टू बिकम क्लोज टू व्हाट टोयोटा इज जी ठीक है अगली गाड़ी पे आए थे तो आगे टोयोटा मेरा फेवरेट ब्रांड लोगों के बो आपका है मुझे नजर आ रहा है लाइनअप में सो ये क्या मॉडल है सेवन सीरीज है जी जी सेवेंटी सीरीज ट्रूपी है ठीक है ट्रूपी इसको बोलते हैं जो कि लॉन्ग चेसी होती है और बेसिकली वो ट्रूपी वर्ड जो ड्राइव है वो ट्रूप कैरियर से हुआ है ठीक है तो यूएन के जो ट्रूप्स है मेरा ख्याल है उनके लिए ये मशहूर थी गाड़ी एक्जेक्टली 97 मॉडल है ठीक है और ये अपने ओरिजिनल इंजन जो इसमें आता है 1HZ 4.2 होता है डीजी 4.2 नॉन टेबो डीजल नॉन टेबो हाई टॉर्क जी एग्जैक्टली exactly. ठीक है और इसको भी आपने रिस्टोर किया है कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थी ऐसे ही ली थी आपने uh, ये मैंने इसी तरह ली थी जी और ये भी रिसेंटली मैंने परचेज किया uh, जी, ये है जीए 2006 मॉडल है ठीक है और uh, इसके अंदर अपना ओरिजिनल 4800 वीटीसी uh, पैटल जी जी पेट्रोल इंजन है। आपने बताया ियर देखने जाए और इसकी क्या खास या या मुझे क्योंकि मेरे पास ये गाड़ी रह चुकी है तो, तो, तो मुझे ये गाड़ी बड़ी पसंद थी इसके झूले बड़े मजे के आते थे इसके सस्पेंशन बड़े मजे की ड्राइव और कम्फर्ट है वो तो वो है और इसका इंटीरियर भी बड़ा लेदर सीट्स है और ये इंटीरियर जी इसका कलर उसका जो बड़ा है बड़ा खूबसूरत है उससे गाड़ी को बड़ी एक ना ओपन सी लुक आ रही है जी इंटीरियर सनरूफ अच्छा एक और सवाल है जो मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ निशान को हमारे मुल्क में लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं जी आई थिंक ड्यू टू द फेलियर ऑफ जो कि अंडर पावर गाड़ी थी exactly. हमने रैली में देखा है या पेट्रोल अगर हम दुबई वगैरह कहीं जाते हैं तो बड़ी ज्यादा ये डेजर्ट में चलती है तो आपका इस बारे में क्या बर्डेट है हमारे ऑडियंस को भी बताएं बिकॉज रेलवर जो है रेली वो तो गाड़ी की जान निकाल लेता है uh, जी बेसिकली निशान इज अ वेरी गुड मशीन ठीक है uh, पाकिस्तान के अंदर बस वो सिर्फ एक माइंड वाली बात है uh, और उसकी वजह से प्रॉब्लम

So ये ये है जी ये basically, आ, वो अपना 100 सीरीज का आप कह लें कि एक स्टेप उससे ठीक है, है और ये बेसिकली इट वाज पर्पजली बिल्ड फॉर ऑफ रोडिंग एंड बेसिकली फॉर द यूएन ठीक है और इसका जो नीचे चेसी है uh, वो दैट इज

इस बॉडी के अंदर 200 सीरीज के अंदर वन आता है स्टॉक आता है कंपनी में किस मुल्क में आता है ये भी बता दें ये बेसिकली जी आ, ये आपके यू में आ, भी आता है और ये सिंगापुर ठीक है राइट right हैंड के लिए सिंगापुर वाली मार्केट एक्टली exactly जी ठीक है और ये जो गाड़ी है ये ऑटोमेटिक है कि मैनुअल है जी मैनुअल है जी। अच्छा, lover, मैंने देखा कि आप मतलब पाओं का इस्तेमाल जरूर <laughs> करते हैं लेकिन जो जो मजा स्टिक सही है। आ, चलाने में जी वो ऑटो में आ, वो स्थी के स्थी अच्छा स्टिक स्थी शिफ्ट के एक और मेरी बात लोगों को बताते जिन लोगों को लगता है कि शायद जितनी बड़ी गाड़ी है उतना क्लच दबाने के लिए शायद बंदे को दो पैर चाहिए इट्स एक्जैक्टिटैक्ट exactly exactly. इनके क्लच बड़े हाईली एफिशिएंट होते हैं और कोई exactly. आपका पैर थकता नहीं है एंड अगेन अगर आपको जो कहते हैं ना शौक है गाड़ी की मैक्सिमम आउटपुट लेने का तो जो स्टिक शिफ्ट गाड़ी है उसी के अंदर आता है जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसमें वो नहीं होता एक्जैक्टली जी अच्छा अगर हम आगे चले अब आगे जो है पाकिस्तान की रैली सर्किट की सबसे मशहूर गाड़ी जो टोयटा की रेवो है ये दो हैं आपके पास

डेली यूजर के तौर exactly. और इसके अंदर इंटीरियर में तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है जी जी नहीं नहीं इंटीरियर इंटीरियर में है है स्टॉक स्टॉक अच्छा ये सेकंड लास्ट आ गई है लास्ट सरप्राइज अभी भी बाकी है ये सेकंड लास्ट गाड़ी है ये मुझे नजर आ रहा है मैं फ्रांस साहब को आज सिखाता आया था कि अट्ठाईसो और तीन का फर्क क्या है ये अट्ठाईस है क्योंकि इसके बोनर के ऊपर नहीं है मैं इनको बताता है फ्रांस को अच्छा तो ये लेटेस्ट आपने सबसे इसके बाद ये इसको लेने की क्या वजह थी आ, ये जी क्योंकि मैं ज्यादा ऑफ रोड यूज करता हूँ तो ये ऑन रोड की कम्फर्ट और उस हिसाब से है। आ, ये जो है, ये बिल्कुल, बिल्कुल है, मेरा देखा कि काफी है बाकी सब कुछ स्टॉक है जी एक्टली exactly. और हाइट इसकी थोड़ी ऊंची है वो डाले हैं जो शॉक स्पेसर होते हैं मेरी हमेशा आम गाड़ियों के बारे में भी राय होती है आपसे हम फायदा ले लेते हैं आपके टाइम

अच्छा ये तो लाइनअप हो गया मेरा ख्याल है आज भाई आखिरी सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं जो कि मुझे आपकी सारी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा पसंद आई है तो अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं जी प्लीज. आ जाए अच्छा लास्ट में सरप्राइज ये नाइनटीन नाइनटी वन मॉडल की पिजैर हुए और जो इसको मेरा ख़्याल है आपने लिफ्ट करके खड़ा किया हुआ है ताकि इसके टायर वगैरह खराब ना हो तो इसकी जी. क्या हिस्ट्री है और ये इतनी सारी नई गाड़ियों में ये पुरानी गाड़ी जो है ये क्यों खड़ी है जी ये बेसिकली इसकी बड़ी रिच हिस्ट्री है जी सही है ये बैक इन नाइनटीन

अच्छा इसमें तो टायर तो में देख रहा था, था सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ कि इसमें टायर भी वही है जो कंपनी से आता था एसपीजीटीआर जो है जी एग्जैक्टली माय मेमोरी इज नॉट सर्विंग मी बैक जी एग्जैक्टली exactly, जो साथ ब्रांड न्यू जो ब्रांड और जो ट्रेड इसके साथ आ, ये बैक इन 91 आया था जी हमने जब भी टायर इसके चेंज किए वही ढूंढे और इसमें डाले और वो आ, ये भी मैंने रिसेंटली एक साल पहले इसके टायर्स चेंज किए हैं जी बेहतरीन हो गया थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई बहुत so, ये था आज के एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आकन पर क्लिक करें ताकि आपको और आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगा करते राह करें हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज को पहले से बेहतर बनाएं ये था आज का एपिसोड आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गिद्ध और वाकलों का ख्याल रखिएगा शुक्रिया